अपने हथन उठाओ और मंगो कि परमेश्वर अज का वचन मेरी जिंदगी च सौ गुना फलां कम करे, सौ गुना फल लैके आए, तो कोई अंधकार दियां शक्तियां तेरा वचन चुरा ना पाए। जिन्ना वचन सुना मेरी बुद्धि ते समझ रहे, मेरी बुद्धि ते समझ रहे, ताकि खुदा जिस गल लई तुसी मैनू अंधकार चो अपनी ज्योति चो बुलाया, तेरी ज्योति दे फल मेरे जीवन तो प्रकट हो। मैं बहुत सारा फल लेके आया अज दे वचन नू समझन दे लई, तुसी बुद्ध दे चुके हो। जिन्ना वचन सुना मेरे हिरदे दियां पट्टियां ते लिखिया जाए, हिरदे दियां पट्टियां ते लिखिया जाए खुदा, ताकि अज दे वचन नू समझ के खुदावन मैं उस ते चल के उस वचन नू पूरा करके उस जीवन नू पावां, ते होरां नू ही मैं उस जीवन दे बारे दसां, मैं खुद सिखां ते दूजियां नू सिखाण वाले बना। और निश्चय खुदा तुसी एवें मेरे लिए कर चुके हो यीशु मसीह दे नाम च। आमीन आमीन। तुसनु सारे किन्नियां नू पता कि मैं पापी हाँ, किन्नियां नू पता मैं पापी हाँ, नहीं पता? मैं क्या किन्नियां नू पता कि मैं पापी हाँ? जिन्ना जिन्ना नू पता हथ खड़ा करो मेरे नाल, जिन्ना जिन्ना नू पता आ कि मैं पापी हाँ, मैं क्या अपना अपना हाथ खड़ा करो मेरे नाल, ताकि मैनू पता लगना चाहिए ना। तो तुम तो अगर वचन सुन रहे हो तुम समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो अगर तुम तुम समझ आया तो फिर तुम करोगे खड़ा, अगर नहीं है तो सीख रहे तो फिर तुम नहीं करोगे। किन्नियां नू समझ आ रही है कि मैं पापी हाँ है? थोड़िया जे ने हाथ खड़ा किया, कई ने इन्ना किया, कई अद्धे रख दे। अगर पता है तो फिर पूरा करो ना। हां किन्नियां नू पता कि मैं पापी हाँ? बाकी सारे ओदा ही है, बाकी सारे मैं क्या इदा ही हाँ। सुनो अगर तुसी इस जगह ते आंदे हो ते इस जगह दी इस मिनिस्ट्री दी राइट शिक्षा नू सुन रहे हो ते फड़ भी रहे हो, फिर तैनू समझ आएगी कि मैं कौन है। अगर नहीं है तो फिर है ना, सी असी एक दिन पापी, पर हुण ये गल चंगी तरह नोटिस कर लो, सी असी पापी एक दिन, पर हुण हुण नहीं असी, ये गल याद रखना। सी असी एक दिन पापी जदों कितों दूर सी, पर जिस दिन तुसी किन्नू की किता, किन्नू जान लिया, किन्नू अपना उधार करता कबूल कर लिया, उस दिन की हो गए ताडे पाप की हो गए, माफ हो गए। तुहानू पता लोग अजे भी संसार विच ये प्रार्थनावां करदे ने कि असी की हाँ, पापी, क्योंकि परमेश्वर पापियां दी सुनदा। वो किन्ना दी सुनदा? धर्मियां दी, कि पापियां दी सुनदा है? पापियां दी नहीं सुनदा, धर्मियां दी सुनदा है। पापियां नू तो सिर बचाउण दे लई आया, क्या है बोलो, पापियां नू सिर्फ वो बचाउण दे लई आया। तुसी बच चुके हो कि नहीं बच चुके? हाँ, रोमियो 10:9 की कहिंदा है? रोमियो 10:9 की कहिंदा? इदा ही पता है कि पढ़ के समझना चाहते हैं कि कहता रोमियो 10:9 कि जदी, शब्द आया जदी, तो अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करे कि वह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल कहती निश्चय, निश्चय का मतलब उच्च 50-50 नहीं होता, 99 भी नहीं होता, 100% तुसी बचाए जा चुके हो। बोलो की हो? तुसी उधार पा चुके हो,
शैतान की गुलामी तो तुसी छुटकारा पा चुके। उधार का मतलब तुसी छुटकारा पाए हुए लोग जे, आजाद किए हुए लोग जे, किदी गुलामी तो, किदी गुलामी तो, है ना। इसी गलातियों 5 दी 1 च की लिखिया, की लिखिया कि मसीह ने तुहानू की किया है, आजादी दे लई की किया है, आजाद करता है। ते हुण की रहो उस आजादी च, स्थिर रहो। स्थिर दा मतलब जिस गुलामी तो, जिस पाप तो तुहानू आजाद किया है, है ना, हुण तुसी उच्च स्थिर रहो, बने रहो, ते उदियां सारियां आग्ञावां, उदियां सारे हुक्मां दी की करदे रहो, पालना करदे रहो। जिवें सब तो वड्डा ते पहला हुक्म की है, सब तो वड्डा ते पहला हुक्म की है, प्रेम है। यीशु मसीह ने ते कहा है दुश्मन नाल भी की करियो। हुण इत्थे करना पएगा, अगर तुसी दोबारा पाप ते गुलामी च फसना नहीं चाहते, अगर दोबारा पाप की गुलामी, एक बारी तुसीं यीशु नूं अपना प्रभु कबूल करके उधार करता मन के छुट गए हो, किदी गुलामी चो, किदी गुलामी चो, शैतान की गुलामी चो तुसीं की हो गए जी, छुट गए जी। क्योंकि एक दिन तुसीं किदे अधिकार सी, किदा अधिकार सी तुहाडे उपर, सी कि नहीं सी, है ना, सारियां दे उपर सी ना, है ना। तो एक दिन साडे सारियां दे उपर किहदा अधिकार सी, इसलिए असी परेशान सी, उदास सी, मतलब की सी, असी परेशान सी, दुखां बीमारियां प्रॉब्लम सी, साडा जीवन बड़ा डावांडोल सी, समझ नहीं आ रही, है ना, जगह जगह जाते रहे सी, भटकते रहे सी, हां बड़ी जगह ते जाके बड़ा कुछ मंगते रहे सी, अपनी अपनी धार्मिकता करके, सारे असी अपनी अपनी धार्मिकता करके, मैं भी अपनी धार्मिकता करता सी, तुही भी सारे करते सी, सारे करते सी, सारियां दी सेम ते नहीं सी, पर सारे असी की कर रहे सी, अपनी अपनी धार्मिकता कर रहे सी, और मांग रहे सी, बड़ा कुछ कर रहे सी ना एक समय, पर करके करके भी सानू वो जीवन नहीं मिल रहा सी। पर एक दिन सानू ये सुसमाचार दिता, किसी ने की दिता है, ये गुड न्यूज दिती कि यीशु ते की करो। एक दिन तो असी सारे की समझते सी यीशु नू, की समझते सी सारे यीशु नू, की समझते सी कि यीशु कौन है, कौन है यीशु, हां अच्छा अंग्रेजां दा, ठीक है ठीक है, कौन है यीशु, अंग्रेजां दा की है ना, ऐदां समझते सी। ते कुछ समझते सी अंग्रेजां दा, ते कुछ समझते सी ईसाइयां दा, पर जदों आए, आए तो वैसे इदां ही है भी चलो ठीक है, चलो जाके की हो जाए, चलो जाके जे साडा इधरों भला आ जाए, चलो कोई गल नहीं है, रहना तो असी अपने धर्म च ही है, रहना तो की असी, पर जदों आए तो इत्थे, जदों इत्थों की जिहड़ी पिक्चर सी, इत्थे जो कुछ समझ आया जांदा सी, इत्थे होर ही कुछ सी, संसार विच सी, बोलो की सी, संसार विच सी, संसार विच सी, ते की समझदे सी, है ना, किन्ने मेरी गल नूं समझ रहे, मैं कहा संसार विच सी ते धर्म समझदे सी, है ना। तो इधर आए, चलो कोई नहीं, साडा काम हो जाएगा, रहना तो असी की अपने धर्म च ही, पर जिथों इत्थे आए तो इत्थे पता लगा कि धर्म ना दी ते कोई चीज, जिन्हें दुनिया नूं बनाया वो इको ही खुदा आ, ते जिन्हें दुनिया बनाई उन्हें कोई धर्म ना, उन्हें कोई जात बनाई, समझ आ गई ये गल, सानू समझ आ गई कि आ गई ये गल, किन्नियां नूं समझ आ गई। अगर तुहानूं समझ आ गई, सुनो, तुम मरनो मर जाओगे, पर तुम दूसरी चीज नहीं करोगे, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਸਤਿਆਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਗਲੇ ਚ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓਗੇ,
दोगले बन के पर दोगलियां दा हिसाब भी होना जी ये गल याद रखियो उथे लिखिया निक्की निक्की गल दा भी की करेगा ना सब उपदेशक च लिखिया ना चलो उस वचन नूं भी पढ़ो ताकि अज असीं समझिए धर्मी दा है ना धर्मी दी उस गल नूं समझिए ये गल तो समझ आ गई ना हुण तुहानूं कि हुण असीं पापी हुण असीं पापी नहीं असीं धर्मी हाँ पर धर्मी वाले काम असीं अगर नहीं करांगे तो धर्मी दे जीवन च भी की आणगी हाँ धर्मी नूं बचाएगा परमेश्वर धर्मी ते लिखिया मुसीबत आएगी पर रहेगी पर अगर धर्मी किदा वचन पूरा कर रहा अगर नहीं कर रहा बोलो की है जिवें मैं जकरिया ते आलिशबा दी थोड़े दिन पहला तुहानूं स्टोरी दसी है ना उहदे जीवन दे बारे दसिया ना किहदे बारे जकरिया ते आलिशबा ते लिखिया वह परमेश्वर दीयां सारीयां आख्यावां नूं पूरा करन विच की सी मन्नण च जो भी वह सब कुछ कर रहा सी खुदा दे अकॉर्डिंग उस समय व्यवस्था दे अनुसार अज तो अनुग्रह है ना अज तो व्यवस्था नहीं है ना अज तो कोई वेदी नहीं है जिथे धूप जलाने का काम करना सी पर उस समय सी जेड़ा जकरिया कर रहा सी है ना पर उस समय दी व्यवस्था दे हिसाब दे नाल जकरिया लिखिया सब आग्ञावां नूं किसी बोलो की कर रहा सी चलो पढ़ लेने फिर उन्हूं भी थोड़ा जा जेड़ा मैं हुने वचन बोलिया तुहानूं किहड़ा सी हाँ वो काट लो एक जना सबोपदेशक पंजाबी च उपदेशक दी पोथी 12 अध्याय कढ़ो तद तक मैं थानू लूका एक दी तो दी 8 तो पढ़ दे है ना 8 नहीं 6 तो पढ़ दे 6 और 5 भी पढ़ दे यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबीजा के दल में जकरिया नाम का एक साजक था और उसकी पत्नी हरून के वंश की थी जिसका नाम आलिशबा था वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे क्या थे बोलो परमेश्वर की सब आज्ञाओं ध्यान न सुनो फिर अपनी अखां नूं बंद करो और हथां नूं उठाओ बोलो परमेश्वर तुसी निश्चय अज एक एक वचन दी मैनूं समझ दे चुके हो अज मैं समझ के खुदा इस वचन ते चलन वाली इन्हूं पूरा करन वाला बन चुका हां यस खुदा अज वचन दी मैनूं पूरी पूरी समझ दे चुके हो आमेन जोर नाल बोलो हालेलुया और जोर से तो समझ आ रही है वह लिखा वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे और उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि आलिशबा बाद थी और वह दोनों बूढ़े थे पर फिर भी वो की कर रहे थे की कर रहे थे चाहे आशीष नहीं सी बोलो कि यह बुढ़े हो गए सी किदी सेवा कर दे पर फिर भी की चल रहे सी फिर भी कोई पाप कर रहे सी कोई गलत चीज कर रहे सी जिवें अज लोग प्रभु नूं जानण तो बाद की करदे ने की करदे ने बोलो जानण तो बाद की करदे ने प्रभु नूं अच भी की करदे ने आज्ञावां नूं तोड़दे ने इसलिए वह फसदे ने तुहानूं की लगता है परमेश्वर ने क्यों कहा हे मेरे पुत्र मेरी किसी भी गल नूं हल्के च ना लई की ना लई मेरी किसी भी गल नूं हल्के च ना लई ना ते जिहड़ा लएगा फिर वह फसेगा ते जिहड़ा डर रखेगा इसलिए एक जगह ते लिखिया इक्को सोते चों खारा ते मिठा पानी इक्के जीभ तो धन्नवाद ते शराब दीयां गल्लां नहीं निकलदीयां नहीं ते तुसी की हो जाओगे अगर तुसी ये बोल रहे हो तुहानूं पता
मैं पहला भी तुम दसिया हूं भी मैं तुम दसदा कि मैं अपनी फैमिली च अपने घर अपने परिवार समेत शब्दों से बड़ा की रखदा। जिवें कई बार बंदा गुस्से च आता खिजिया हुंदा तो कुछ भी बोल जाता, की बोल दिंदा, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी ता बेड़ा गर्क हो जाए, ताडा ऐ हो जाए, हाँ जा फिटे मूँह तेरा ऐ, जा फिर तेरी ऐ, बड़िया गल्लां की करदा गुस्से च आके की करदा। पर मैं अपने परिवार समेत इन्हां गल्लां दा बड़ा ध्यान रखदा क्योंकि जो तुसी बीज रहे हो वही वड्डो। एक जगह ते गलातियों च लिखिया है ना, जो विनाश की कटनी बीज रहा वह की करेगा, वह वड्डेगा, तो जो अनंत जीवन की कटनी बो रहा वह जीवन नू कटेगा। तो ये विनाश दियां वाली चीजा बीज रहे हो संसार वाली तो उन्हों कटोगे। ये चीजा बड़िया ध्यान रखने वाली, समझ आ रही मेरी गल दी? इसलिए मैं शब्दों के उत्ते बड़ा ध्यान रखना है तो अपने अंगीकार नू की रखदा, चाहे किदां दा भी सिचुएशन हालात किवें दा भी होवे ते मैं कदी भी मुंह तों माड़ा नहीं बोलता। लोग सिचुएशन नूं सिस्टम नूं माहौल नूं वेख के चलदे ने, कि चलदे ने बोलो, सिस्टम नूं वेख के चलदे ना, जिद्दां दा होवे उद्दां दी गल करदे ने, उदां का विश्वास करते हैं, उदा का प्रभु नाल चलते हैं। जे जे चंगा तो खुश रहेंगे, जे थोड़ी जी मुसीबत आ गई तो मन ये वो कई अंगीकार कई कुछ मुंह तो की करने। इसलिए एक गल याद रखना कि जो तुसी अपने मुंह तो बोल रहे हो बीज रहे हो, जो तुसी अपने मुंह तो बोल रहे हो बीज वो बीज रहे हो। अगर बीज रहे हो तो तुम कट्टोगे, की करोगे? अगर तुम रोज चिंता कर रहे हो चिंता तो तुम चिंता का बीज बो रहे हो। अगर तुम नफरत का बीज रहे हो, रोज गुस्से वाली चीज बोल रहे हो, जो बीज रहे हो एक बीज है, जो उगेगा तो पेड़ बनेगा तो फल भी सारा केड़ा लगना है, उ लगना। समझ आ रही है? इसलिए शब्दों के उपर की रखना, क्यों लिखिया जकरिया नूं क्यों एडी वड्डी आशीष बन गई, क्यों जकरिया दा नाम इस पुस्तक च आ गया। सेम इदां दी पुस्तक तुहाडी स्वर्ग च लिखी जा रही है, पता है कि नहीं पता? हां, अगर अलीशा लिखिया उहदियां सारियां आग्ञावां च निर्दोष चलन वाला सी तैनूं ब्लैसिंग मिली कि नहीं मिली? शायद उहदे जीवन च औलाद हुंदी ना, जिवें संसार विच कहिंदे ना संसार दा ज्ञान है किहदे कर्मां च नहीं हैगा, पर जिहड़ा यीशु मसीह दे कोल आ जांदा उहदा कर्मां दा लेख भी की हो जांदा, बदल जांदा है कि नहीं बदलदा? हां बदल जांदा ना। संसार दा ज्ञान आ जिहड़े मंगलीत बच्चे हुंदे ना, मंगलीत समझदे कुंडली ओह की बोलदे ने मैनूं तो ज्यादा पता नहीं है, मंगलीत कुंडली कुड़ी वाली होवे ते ओह मुंडा भी, जे कुड़ी मंगलीत आ ते मुंडा भी लभना पैंदा, ते जे नहीं आ मुंडा नहीं लभूगा ते ओह ऐदां कर दोगे ते कहिंदे डैथ हो जांदी, कुछ ऐसा नुकसान होता। तो जो प्रभु च आ जाते हैं लोग जेडे सच न जान लेंगे ने समझ लेंगे ने, मैं ते मेरे सामने कई दिन शादियां हुई उन्होंने बच्चे भी हो गए, की हो गए उन्होंने दे? देखो चीज सीखो, अगर तुम प्रभु के कोल आ गए हो तुम धर्मी हो, तुहाडे गुनाह तुहाडे पाप की हो चुके ने, हुण तुम संसार दे नहीं हो। बोलो हुण तो संसार दे कि अजे भी संसार वर्गियां चीजा करनियां जे, हां तैनूं सिखना पएगा। हुण तो संसार दे ते हुण संसार वाले काम यीशु मसीह ने कहा मैं संसार दा नहीं हां ते तुसी भी नहीं हो, तो जो संसार करदा हो तुसी नहीं करना, कि करना है हां कदी कदी खुश करन लई ते करना ही पैंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਹੈ ਬੋਲੋ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਮੰਗਲੀਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੋ ਬੋਲੋ? ਜਿਵੇਂ
कई बार कई संसार वाली बीमारी जी हो जाती है तो संसार च उन्हां रोगों का फांडा करते कि करते बोलो तो कभी कभी लोग जो प्रभु च ना तो वह जो इधर उधर गवांढी गुआढ़ी इधर उधरों जो किसी को प्रॉब्लम आई होंगी है कि आई होंगी है तो वह लागले गवांढी रिश्तेदार चाचे ताए जां मासी फुफड़ जिन्हें भी है जेडे नहीं जानते जां कोई गली महल्ले दे लो नहीं तेनों तो वह आ जा नहीं फांडा करा जा वेखी दो दिन च ठीक हो जाना तो वह चुप करके की हो जाता फांडा कराने चले जाते कि चले जाते ने फांडा कराने चले जाते उन्होंने लगता कि शायद है ना क्योंकि सच न उन्होंने चंगी तरह क्योंकि वचन की कहता सी यीशु मसीह ने तुम आजादी लिए की करता है क्योंकि सारिया प्रॉब्लम्स कि वालों ने दुनिया दे दुनिया एक तो लैके सौ की सौ तो लैके लाख की ते करोड़ की अगर दुनिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं असी जानते हो सारिया कितों हाँ पाप तो वचन कहता मसीह ने तुम आजादी लिए की करता तो हूँ की रोज स्थिर रहो तो गुलामी के जुए हेठा फिर की ना आओ पर कभी कभी हालात सानू की कर देंगे मजबूर कर देंगे कि वचन पूरा करना नहीं मैं हालात की गल कर रहा कदी कदी मैं क्या हालात सानू कि वचन पूरा करने के लिए मजबूर कर देंदा दुष्ट का शैतान का तो लोग करते करते ने बोलो जो तो परेशान हो जाते समझ नहीं आते पर जेड़ा जान लेंदा या बोलो कि जेड़ा जेड़ा जान लेंदा जा फिर वो नहीं बोलो कि है फिर वो चीज नहीं करते मरनो मर जाएगा मैं क्या पर वो संसार वाली चीज नहीं करेगा चद्रक मेषक अभेदनों ने की किया सी कहिंदा सी तेरी मूर्ति अगे नहीं चुकना भावें अज तेरे बल दे पट्ठे तो सानू साडा परमेश्वर बचावे भावें ना बचावे पर असी ये पाप नहीं करना भावें बचावे भावें पर असी तेरी मूर्ति अगे चुक के पाप नहीं करना पर असी जानते हैं असी जानते हैं कि तेरे बल दे पट्ठे तो बचाने की रखता सामर्थ रखता की रखता है अगर रखता है तो हुण वचन पढ़ो पढ़ो उपदेशक की पोथी सब उपदेशक 12:13 सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वह भली हो या बुरी न्याय करेगा क्या करेगा न्याय करेगा किन्हें पता करेगा किन्ने डर रखते ने अगर वह न्याय करेगा मैं क्या किन्ने लोग डर रखते ने रखते जी एवें हथ खड़ा कर रहे कि सच्ची रखते हां जे रखते हो कि रखते हो तो जे नहीं रखते तो फिर ना करो तो जे रखते तो करो क्योंकि तुहानू हुण भी कौन वेख रहा कि कहिंदा सब उद्देश सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मतलब डर मानते उहदियां सारियां आज्ञावां दा की कर पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य उहदा रहणा है उहदा कर्तव्य है क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का चाहे वो भली है चाहे बुरी है वो न्याय करेगा चाहे भली है चाहे क्या करेगा वो परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा हाँ न्याय करेगा किन्हें पता कि साडा न्याय होना है मैं क्या किन्हें पता कि साडा न्याय होना है तो किन्हें पता कि यीशु मसीह ने सारी दुनिया का न्याय करने के लिए आना की आना उन्हें सारी दुनिया का
न्याय करन ले आना। मान लो अगर तो डा कम नहीं हो रहा जां जिवे कई बंदे शरीर च हुंदे ना ते सच नूं समझ नहीं पांदे, बोलो सच नूं समझ नहीं पांदे, ते उह ना समझण दे कारण जो राइट चीज आ उत्ते विश्वास नहीं करदे ते अपनी बुद्धि दे नाल पता नहीं की करदे रहिंदे ने, किधर किधर भटकदे रहिंदे ने, की सोच लगांदे ने, क्योंकि करना की है ना। तुसी बचाए जा चुके कि नहीं, पहला मैं गल करदा फिर अपा फिर रोमियो 10:9 गल करदे। वचन की गिंदा 50-50 नहीं 99 नहीं, कहिंदा जदी तू अपने मुंह नाल यीशु नूं की करी। मैं की कह रहा, की कहिंदा वचन कि जदी तू अपने मुंह दे नाल की कर लिया यीशु नूं अपना प्रभु की कर लिया, कबूल कर लिया, अपना उद्धार करता मन लिया, ते तू निश्चय किया बोलो बचाया जा चुका। की बोलो तू बचाया किदे अधिकार तो, किदी गुलामी तो, किन्ने तेनू छड़ा लिया है, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया दे लिए अपना की बहाया ना, लहू बहाया, ते तुसी उन्हों अपना की मान लिया जिन्हें तेरे लिए अपना जीवन दिता। ते की कह रही बाइबल, निश्चय तुसी उधार पा चुके हो, कि पा चुके हो उच्च 50-50 नहीं 99 नहीं है, मतलब तुसी संपूर्ण मतलब पूरी तरह शैतान की गुलामी चुकी जे छुट चुके। पर अगर तुसी आज्ञावां नूं नहीं मनोगे, वचन नूं नहीं पूरा करोगे, कि नहीं करोगे, फिर की होएगा? अगर तुसी आज्ञा नूं तोड़ोगे, वचन नूं पूरा नहीं करोगे, फिर की होएगा? फिर हां जिवें इजराइलियां नूं जदों मिस्र दी गुलामी चों कढ़िया ते उहनां नूं कहा सी कि 6 दिन की करना, की करना 6 दिन, सत्तवां दिन किहदे नाल गुजारना? उत्थे बड़ियां सारियां होर भी 10 आज्ञावां सी ना मूसा नूं दित्तियां, हां, चोरी नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देनी, किसी दूसरे नूं ईश्वर करके नहीं मनना, किसी होर नूं दूसरे नूं ईश्वर करके होना नहीं मनना, ये सारियां आज्ञावां सी जदों उहनां नूं कित्थों कढ़िया सी मिस्र दी गुलामी चों। तो एक आज्ञा सी कि 6 दिन की करना तुसी कम करना, ते सत्तवां दिन किहदे नाल गुजारना। हुण अगर तुसी वचन नूं पूरा कर रहे हो तो मतलब सेम जकरिया दे वांगू तुसी दीआं आज्ञावां ते धर्मी होण दा वचन पूरा करके निर्दोष चलन वाले बन रहे हो, क्योंकि उह निर्दोष चल रहा सी ना, कोई पाप नहीं कर रहा सी। पर कदी कदी की हुंदा आ, इंसान उहनूं जाण के वी की करदा, पाप करता है। सब तो वड्डा इस दुनिया का पाप है जेड़ा लिखिया अपने परमेश्वर नूं प्यार नहीं करता, ते जेड़ा प्यार नहीं करता, प्यार करने वाला उहदी हरेक गल नूं मानदा, मानदा कि नहीं मानदा, मानदा है ना, डर रखता है, ते जेड़ा नहीं डर रखता वह धीरे धीरे की हुंदा, फिर अपनी बुद्धि लगा के की हुंदा, अपना तरीका, अपनी सोच, अपनी समझ लगाना शुरू कर दे, ते फिर वह फसना क्यों जांदा, फसना फसना शुरू हो जाता। समझ आ गई है? क्योंकि रोमियो 10:10 च लिखिया पवित्र शास्त्र कहिंदा है कि जो कोई उत्ते शास करदा वह लज्जावान वह शर्मिंदा नहीं होएगा। किन्हां नूं समझ आ रही है? बचाए जा चुके जे कि बचन वाले हैं, ताडे लई जिस काम दे लई यीशु मसीह आए उन्होंने पूरा कर दिता कि बाकी है, हुण तुसी करना की है? हुण इत्थे गल आ, अगर परमेश्वर ने काम पूरा करता तो तुसी की करना है? उस गल दा की करना? विश्वास करना, ते सारियां आज्ञावां च की निकलना? निर्दोष। जिहड़े तुसी लेट आंदे ना संगति च, ये भी रोंग है, ये भी गलत जी, तुसी आदर नहीं कर रहे, कि नहीं कर रहे तुसी, तुसी आदर नहीं कर रहे, आदर करना परमेश्वर दा। अगर असीं 6 दिन कम करके सत्तवां दिन भी खुदा नूं नहीं दे रहे
तो तुहानू नहीं लग रहा आप स्वार्थी जे बन गए? तुहानू नहीं लगता जे परमेश्वर ने 6 दिन दिते आ तो 1 दिन की किनू दईए? हां तुसी 10 बजे तो पहला तुसी 100 काम करो, परमेश्वर नू कोई भी उहदे नाल आपत्ति नहीं है कि तुसी क्यों कीता। पर दे टाइम नाल उहदी हजूरी च आउणा, उहदी आख्या नू पूरा करना, किनू खुश करना। अगर तुसी कर रहे हो की कर रहे हो बोलो, अगर तुसी कर रहे हो तो धर्मी होण दा वचन की कर रहे हो? पूरा कर रहे हो। फिर लिखिया धर्मी पुकारदे ने ते यहोवा उहनां नू सारियां विपत्तियां तो की करदा? किन्हां नू लिखिया धर्मी पुकारदे ने ते उहनां नू सारियां विपत्तियां तो की करदा? कौन छडाउंदा? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ? ਧਰਮੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ। अगर तुम कि वचन धर्मी हों पूरा कर रहे की कर रहे बोलो, तुम कि वचन पूरा कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो तुम सुनेगा, अगर नहीं तुम पूरा कर रहे तो जब तक तुम सिद्ध नहीं बनते तद तक वो वेट करेगा। जिवें अब्राहम दे सिद्ध ना होने के कारण उन्होंने 24 साल बाद भी उन्हें दर्शन देके की कहा कि मैं की हाँ तेरा सर्वशक्तिमान ते की हो मेरी उपस्थिति ते चल की हो सिद्ध हो। अब तुहानू नहीं लगता कि परमेश्वर नियमां ते कानूनां दा परमेश्वर? बोलो की है? अगर मान लो कोई नियम नू पूरा नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मान लो मैं तुहानू सही राइट चीजां दस रहा, मैं तुहानू कोई भी और रीतियां वाली चीज नहीं दस रहा, मटीरियल वस्तुआं दी शिक्षा नहीं, मैं तुम राइट चीज दस रहा। अगर मैं तुम राइट चीज दस रहा, राइट चीज समझा रहा, सही चीज, अगर मान लो मैं तुम सही चीज दस रहा तो तुम मैं कह रहा सारिया चीजा पूरा करो, कौन करेगा? तो मान लो कोई पूरा नहीं कर रहा तो वह कहना तो इतने इन्ना चिर हो गया, अं उ चलने फिर असं वह कर लगे कि कर लगे हाँ अं उ चलने ए कर लगे। मैं तुम राइट चीज दस रहा। कोई बंदा अपनी बुद्धि लगा के कहे नहीं मैं उत्थे चलिया मैं ऐ कर लगा, परमेश्वर फिर झूठा ना हो गया, गलत ना हो गया कि मैं राइट चीज सिखा रहा तुहानू नियमां आग्ञावां नू मनन दे लई जिच जो तुसीं पूरा करोगे तो वह सब कुछ पूरा करेगा। की करेगा बोलो? फिर वह सब कुछ पूरा करेगा। फिर जे मंदरू लंघना उन्हों भी चला दूगा जी, ऐदां दा परमेश्वर। हां वह अज भी इन्हें दियां अखां खोलदा है ते अज भी गुंगा उहदे नाम च बोलदा है ते अज भी लंगड़े, पर कदों? जदों वचन पूरा होए। अब जो वचन नहीं पूरा कर रहा ते पूरा करन दी बजाय वह होर ही किते जाके कुछ कर रहा है तो परमेश्वर गलत नहीं? अब की कर रहा है ना? फिर अब्राहम दे जीवन च तुने 24 साल की कर दी? अगर तुम राइट चीज सीख रहे हो एक्चुअल की होंगे परमिशन नहीं होती, फिर उत्थे दुष्ट दुष्ट अपनी युक्तियां लड़ाता है, दुष्ट तुम फसांदा, दुष्ट तुम्हारी बुद्धि नू इधर उधर करता। जोर ना बोलो हालेलुया। देखिया कईयों नू सवा रहा है शैतान, नहीं चाहता कि इदा का तुम वचन समझ सको ते समझ के तुसी जीवन पा सको। समझ आ रही मेरी गल दी? वो नहीं चाहता कि तुसी इस दा वचन समझ सको क्योंकि विधियां और नियमां दा परमेश्वर। मेरी गल समझ आ रही है? किहड़ा परमेश्वर वालों? विधियां ते नियमां नू जिहड़ा दा परमेश्वर। अगर कोई उन्हें पूरा कर रहा, अगर जकरिया दे वांगू पूरा चल रहा है तो क्यों नहीं करेगा?
बोलो करेगा कि नहीं करेगा? कितने विश्वास कर दियो करेगा, क्योंकि आजादी की है, आजादी मिल गई है, पापा तो माफी, हूं असि पापी नहीं है, असि की है। पर लोग अज भी कई की समझते नहीं, असि पापी हैं, वो प्रार्थना करते नहीं, की करते ने बोलो, असि पापी हैं, असि गुनाहगार हैं, प्रभु दया करो, चंगा करो, की करो प्रभु, दया करो, चंगा करो। वो दया कर चुका है, वो चंगा भी तनू कर चुका कि नहीं कर चुका, तनू कि पता कितने लिखा चंगा कर चुका? अगर तुम्हें पता कि चंगा कर चुका फिर तुम रोज सोच उस वचन का की करोगे, विश्वास करोगे, की करोगे बोलो, कि विश्वास करोगे, मेरा नाम लैके करियो है नहीं एदा मेरा लियो ना है ना, कि विश्वास करना, क्योंकि मैं तुम कि बारे सिखाना ते फिर जो कर चुका सारा कुछ फिर असि सारे के करिए, सारे उस गल नूं मन्निए ते सारे उहदे वचन उहदी हरेक आग्या नूं उहदे नियम नूं की करिए, ते जे तुसीं मन रहे हो पूरी कर रहे हो ते तुसीं निर्दोष पाए जाओगे। की कहिंदा सब उपदेशक, चाहे निक्की आ चाहे वड्डी गल आ, वो सारियां गल्लां दा की करेगा, न्याऊ करेगा, चाहे कोई छोटी है चाहे भली है चाहे बुरी है, वो सब दा की करेगा, न्याय करेगा। आमीन। करेगा कि नहीं करेगा? हां, ते जिन्हां नूं पता करेगा वो ते डर रखणगे ते वो आज्ञा नूं तोड़नगे, क्योंकि उस पाप की सजा, पाप की मजदूरी की है, पता है कि नहीं पता? पाप की मजदूरी की है, मौत है। जिन्हों पता पाप की मजदूरी मौत है, फिर दोबारा पाप करेगा? हाँ, अगर पाप की मजदूरी मौत है तो पाप करेगा फिर, है ना? यीशु मसीह नूं, है ना, किसी व्यवस्थापक ने पूछा, अगर तू प्रभु हाँ दस फिर व्यवस्था च सब तो वड्डा हुक्म की है, क्योंकि व्यवस्था जिहड़ी सी वो बड़ा स्टिक कानून सी परमेश्वर का, क्योंकि उस समय का कानून की सी कि कोई भी व्यवस्था की आग्ञा नूं कोई भी तोड़ जा जी तो उन्हें तुरंत उहदी सजा मिलती सी। अज नहीं है, तां अज इदा नहीं है, अज लोग मसीह विच आके व्यभिचार भी कर रहे हैं, है ना? किन्ना कुछ इस फोन के उपर आ, हैगा कि नहीं हैगा? इस फोन के उपर भी किन्ना कुछ आता है, तो कई लोग नहीं डरते, चली जाता काम, हाँ इंस्टाग्राम ये ग्राम वो पता नहीं किड़े किड़े ग्राम आ गए, है ना, चली जाता काम, नाले प्रभु प्रभु धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर ते, नाले इक्के सोते चो मिठा ते खारा पानी नहीं निकलता। देखो तुम सही चीज कर लो तो सारा कुछ की हो जाना। तनु एक गल समझ आ गई ना, मैं आजाद हाँ, पहले ये गल समझ लो, मैनू छुटकारा मिल चुका है, मिलना नहीं, पर हुंदा की आ जो बार बार बंदा फसदा हालातों च, वो इसलिए फसदा क्योंकि वचन नहीं पूरा कर रहा, उदियो जिस दे लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन क्रूस के उत्ते दिता क्रॉस से, है ना, उदा विश्वास नहीं कर पा, उदी वो गल नूं मन इसलिए वो फस रहा, की कर रहा हो, इसलिए वो फस रहा, नुकसान किदा आएगा, समझ आ रही मेरी गल दी? एक तो वचन च लिखिया जेडे धर्मी ने उन्हां दे जेडे प्राण ने, प्राण उदी नजर च बड़े बहमुल्लिए ने, बोलो किया, ते कदी कदी धर्मी नूं आने वाली मुसीबतों तो पहला ही उठा लेगा, इदा भी होंदा जी, इसलिए
ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਰਾਧਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਿਮੁੱਲੀਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੇ? ਬੜੇ ਬਹਿਮੁੱਲੀਏ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਣ?